हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो डार्कर डेविल इज हियर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं असासिन क्रीड मोबाइल गेम के बारे में, इसके कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में, सो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। 2K का टारगेट है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवा देना। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट वीडियो स्टार्टेड। सो लेट्स बिगिन इन द वीडियो। सो देखो, मेरे पास असासिन क्रीड का गेम प्ले नहीं था तो मैं वो नहीं लगा सका, उसके लिए सॉरी। तो थोड़ा सा समझ लो मेरे को वॉइस से ही। तो हम सभी को पता है कि जो यूबीसॉफ्ट ने रिसेंटली 3 गेम अनाउंस करे थे, रेनबो सिक्स, असासिन क्रीड एंड द डिवीजन, तो इसमें से रेनबो सिक्स का अल्फा स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने उसको एक हफ्ते पहले से रजिस्टर कर रखा है तो जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो और खेल सकते हो, अदरवाइज उसको आप नहीं खेल सकते हो। सेकंड इज डिवीजन मोबाइल, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो आपने नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना, चैनल पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपकी, ठीक है। और हम बात बचता है हमारा क्रीड मोबाइल। तो देखो, तीन गेम्स है, तीन में से दो तो अपने वो शूटिंग वाले गेम्स है, लेकिन जो तीसरा गेम है थोड़ा यूनिक गेम है क्योंकि ये एक स्टोरी बेस्ड वीडियो गेम है, ठीक है। और एक स्टोरी बेस्ड वीडियो गेम को पीसी वाले को फोन में पोर्ट करना काफी मतलब डिफिकल्ट सा काम होता है, क्योंकि ग्राफिक्स आपको ओरिजिनल देने पड़ते हैं लगभग, और जो गेम प्ले है वो एकदम सही से निकालना पड़ता है। तो हाँ, पीसी में जैसे आप खेल पाते हो, अलग अलग मिशंस मिलते हैं एंड बड़ा सा मैप होता है और उसके अंदर ग्राफिक्स एकदम तगड़े होते हैं, तो हाँ भाई वैसा ही सीन यहाँ पर अगर मोबाइल के ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करें तो हाँ थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत होती है। वहाँ पर उसको थोड़ा और मैक्स लेवल पर करने की ट्राई किया जाता है। और हम एक बार मान लेते हैं कि अगर वो फ़ोन पर आता है तो उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। तो हम मान के चलते हैं उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मिनिमम से मिनिमम 4GB रैम, ठीक है। 3GB रैम तो वैसे ही नहीं चलती बेटू, 2-3GB में तो क्या चलेगा असासिन क्रीड। 4GB रैम तो आपको चाहिएगी उसको रन करने के लिए, ठीक है। और अच्छा खासा प्रोसेसर चाहिएगा, यूनिक आप स्नैपड्रैगन 300 लेके आ जाओ, 400 लेके आ जाओ, नहीं भाई अच्छा ही प्रोसेसर चाहिएगा उसको, अगर तुमको अच्छे से उसको रन करना है तो, ठीक है। और हम अदरवाइज उसके बात करें स्टोरेज कितना मांगेगा, तो हाँ भी 8-10GB तो आराम से खाएगा, क्योंकि भाई उसकी जो इंटरनल डाउनलोड है, उसका प्ले स्टोर का डाउनलोड है, वो मिला के बहुत सारा हो जाएगा। तो आपको मतलब सब तरह से हक्का बक्का रहना है, एकदम टाइट रहना है, अंडूबंड चीज़ों को नहीं खरीदना है, एकदम व्यवस्थित थोड़ा रुक के अच्छे फ़ोन को परचेस करना है अगर तुमको बड़े बड़े गेम्स खेलने हैं तो। और उसको आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, अनाउंस तो हो चुके हैं यूबीसॉफ्ट की तरफ से, तो देखते हैं कि ये बहुत जल्दी हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो होप मेरी तरफ से शायद यूबीसॉफ्ट डिवीजन मोबाइल जो है वो पहले आ सकता है और उसके बाद हमारा असासिन क्रीड आएगा, बिकॉज क्योंकि जो डेवलपमेंट है काफ़ी डिफरेंट वेज में होने वाली है दोनों ही गेम्स की। तो हाँ, आप दोनों को कंपेयर मत करो कि भाई कौन जल्दी आएगा ऐसा वगैरह, ठीक है। सो दैट्स फॉर ऑल द वीडियो। जितना मेरे को नॉलेज मिला, जितने मैंने रिसर्च करी, थोड़ा बहुत जितना भी नॉलेज मिला मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दिया है। सो होप करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना ऐसे यूनिक टाइटल वीडियोज के लिए और यूनिक गेम्स के लिए। हम एक ही कंटेंट पर भरोसा नहीं रखते, हम पूरे दुनिया भर का कंटेंट यहाँ पर रखते हैं गेम्स का। तो हाँ, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।